नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं पंजाब के प्रसिद्ध मंदिर श्री बलदाव जी मंदिर में हूँ। और दोस्तों आज यहाँ पर श्री बलदाव जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों अगर मैं आपसे बलदाव जी की बात करूँ तो दोस्तों बलदाव जी यानी बलराम जी पन्ना में भगवान कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को ही बलदाव जी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आज यह बड़े ही खुशी के दिन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप आज के दिन श्री बलदाव जी मंदिर पर पहुंचते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर आज अलग ही हर्षोल्लास का दिन देखने के लिए मिलता है। सभी भक्त गाते बजाते भजन करते एवं खुशी से झूमते हुए नजर आते हैं। दोस्तों जैसे ही आज आप श्री बलदेव जी के मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंचते हैं तो दोस्तों आज आपको यहां पर सबसे पहले पूजन देखने के लिए मिलता है जिसके बारे में हम पंडित जी से बात करेंगे। सभी को जय राव दयाल की हमारी तरफ से भगवान बलराम के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हल और भगवान बलदेव जी के हल और मूसल एक हिसाब से अस्त्र शस्त्र है जिनके द्वारा सबसे पहले आरम्भ होता है हल से मूसल से। इससे पूजा करती हैं महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जो व्रत रखती हैं इससे स्टार्ट करती हैं। दोस्तों आज के इस जन्मोत्सव की शुरुआत हल एवं मूसल के पूजन के साथ होती है। आज के दिन हमारे कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन हुआ था। कृष्ण जो कृषि के बहुत बड़े देवता माने जाते हैं बुंदेलखंड में इन्हें रुद्र प्रताप सिंह देके आए थे। बुंदेलखंड में इन्हें बुंदेलखंड के वृंदावन के बड़े भाई के नाम से जाना जाता है। बलभद्र जिनका नाम है। आज के दिन छठ है। छठ के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये सब पावन अवसर पर महिलाएं व्रत रहती हैं जो कि वो अपने पुत्र के लिए रहती हैं। वह निर्जला व्रत रहती हैं। वह अक्षत छुड़वाने के बाद जल ग्रहण करती हैं। दोस्तों आज जन्मोत्सव के मौके पर सभी भक्तों के लिए प्रसाद का आयोजन भी किया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है जो जन्मोत्सव के बाद सभी भक्तों को वितरित किया जाएगा। दोस्तों हल एवं मूसल का पूजन होने के बाद भक्तजन बैंड बाजों के साथ मंदिर में आते हैं एवं दोस्तों मंदिर की परिक्रमा करते हैं एवं खुशी मनाते हैं। जो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दोस्तों अभी आपने देखा कि भक्तों की एक टोली ने गाते बजाते मंदिर की परिक्रमा की, पूजा अर्चना की। एम दोस्तों अब यह टोली पूजा अर्चना के लिए मंदिर के अंदर भी जा रही है। दोस्तों इस वक्त मैं बलदेव जी के मंदिर के अंदर हूँ। दोस्तों वैसे तो बलदेव जी के जन्मोत्सव की खुशी आज सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन दोस्तों बलदेव जी मंदिर के अंदर जन्मोत्सव दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है। इस वक्त बलदेव जी मंदिर का जो गर्भगृह है उसके सामने पर्दा पड़ा हुआ है, और दोस्तों मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बलदेव जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। इसीलिए दोस्तों दोपहर में 12 बजे गर्भगृह से पर्दा हटाया जाएगा एवं आरती पूजन के साथ बलदेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों जैसे ही बलदेव जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होता है उसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं सभी भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये भगवान श्री बलदेव जी मंदिर का प्रसाद है जिसमें ककड़ी, पंजीरी और चंदा में टॉफी वगैरह सब, ये हल हल छठ का प्रसाद महाप्रसाद माना जाता है। ये Thank you.
दोस्तों आज का ये बलदेव जी जन्मोत्सव का कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ, इसीलिए दोस्तों इस सफर को यहीं खत्म करते हैं और हम मिलते हैं यहाँ से आगे के सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।